अभी सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम भी कराने वाली अगले सेशन से, इससे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? वो तो अभी इनको पढ़ाने की जरूरत ही क्या है, स्कूल लाने की जरूरत क्या है, हटा दे अपने किताबें हैं, अपने किताबें जब किताब में देके लिखना है तो फिर जरूरत क्या है, वैसी पास करते जाएं। मजाक है ये तो एजुकेशन के साथ मजाक है। जब सब कुछ खुल के मिलेगा तो हम पढ़ेंगे क्या? एग्जाम का मतलब होता है आप कितने पढ़े हैं। जब सब कुछ हमें खोल के मिलेगा तो हम तो लिख ही देंगे। वो तो अपना चुपचाप गए, उतारे, लिख दिए, चले आए, क्या समझे? कुछ नहीं होने वाला है नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। उससे पढ़ा शिक्षा को लेकर के उसे बढ़ावा तो मिलेगा ना। एग्जाम का तो कोई पॉइंट ही नहीं है फिर। तब आके सेंट्रल पार्क में बैठेंगे पढ़ने के, मुक्त हो जाएंगे, सेंट्रल पार्क में आके बैठेंगे, फिर एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है ना। मजे मारो भैया। इससे अच्छा तो पेपर लीक होना ही ठीक है फिर। तो पेपर लीक होने ठीक है, उनके पास अकल तो रहेगी। चलो ठीक है, मैंने नकल करके लिखा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, उससे तो सही है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या लाइफ पर, और मैं हूँ आपके साथ शिवानी झा। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और इसको हार्ट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सीपी में यानी कनॉट प्लेस में आपको अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे, अलग अलग तरह के लोग जो राय भी रखते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, और हर एज ग्रुप के जो हैं लोग यहाँ पर हमें दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ़िलहाल जो है इसलिए आए हैं कि आपको हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की राय दिखाएंगे, लोगों की राय दिखाएंगे कि जो सीबीएसई जो है ओपन बुक एग्ज़ाम कराने वाली है, मतलब करा सकती है अगले सेशन से, तो इस पर जो है लोग क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, क्या ओपिनियन हो सकते हैं उनके, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो आप लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आपका क्या नाम हुआ? शौभिक। कहाँ से? नेटिव या फिर रहता, मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में रहते हो, और वह कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो सीबीएसई ने जो है एक नए बदलाव करने की घोषणा की है कि अगले सेशन से जो है ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, यानी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपके सामने जो किताबें खुली रहेंगी आप उसमें से देख करके आंसर लिख सकते हैं बना करके। क्या राय है कि ऐसे चाहते हैं? एग्ज़ाम का तो कोई पॉइंट ही नहीं है फिर। कोई पॉइंट नहीं एग्ज़ाम का, जैसे आप मतलब CBSE ऑलरेडी इनफ हेल्प करती है, लाइक वैल्यूज प्रोवाइड कर देना एग्ज़ाम में, या फिर एग्ज़ाम्स पहले से ज़्यादा ईजी हो गए कंपेरेटिवली, वो अब टॉपर्स लिस्ट या फिर जो प्रेशराइज जो इतना प्रेशर पड़ता है वो भी नहीं पड़ता अब। हाँ। तो मेक्स नो सेंस कि एग्जाम इतनी ज़्यादा हेल्प करने की जरूरत है, फिर एग्जामिनेशन कोई पॉइंट ही नहीं है। गवर्नमेंट की इससे स्टूडेंट जो है समझ पाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब सामने बुक रखी रहेगी तो वो बना करके आंसर्स खुद से लिख पाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? रटना जो है वो हटा देंगे, रटते हैं स्टूडेंट्स। रटने की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती एग्जामिनेशन में, नहीं पड़ती है। हाँ मतलब एग्जाम मतलब आंसर्स आप खुद से लिख सकते हो, जो मटेरियल है वो आपको याद होना चाहिए। हाँ। और समझा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई फायदेमंद होने वाला है ओपन बुक एग्जाम, या फिर नहीं लाना चाहिए इसको? नहीं लाना चाहिए ऑब्वियसली, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। सीबीएसई में ओपन बुक एग्जाम के तहत जो है एग्जाम कराने की बात चल रही है, तो मतलब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए, आपके सामने किताबें खुली होंगी, आप उसमें से देख करके आंसर लिखेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है ये? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये पढ़ाई ठीक नहीं लग रहा, पढ़ाई की नीति से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे वो तो अपना घर पे 12 घंटा 18 घंटा वो तो पढ़ेंगे, लेकिन जो यदि नहीं पढ़ा होगा उसके सामने यदि एक किताब आ जाएगा तब तो जो पढ़ा वाला बच्चा रहेगा तब तो वहीं पे डाउन हो जाएगा। क्यों आसान नहीं लग रहा है ये? जैसे आजकल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, सही से काम जो एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पाते, चीटिंग करते हैं, ठीक है, चीटिंग करते हैं, फर्रे बना के ले जाते हैं, आप भी समझते होंगे, लेकिन अब सरकार उनके लिए ईजी कर दी है कि जा करके बुक सामने रहेंगे आप आंसर उसमें से लिखिए, तो क्या ये चीटिंग से बेहतर है या चीटिंग ही बेहतर? नहीं देखिए, चीटिंग तो होती है कि भाई बच्चे हैं पढ़ना नहीं चाहते अपना चीटिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी भाई कढ़ाई की जाती है, टीचर अपना कढ़ाई करते हैं, जांच तमाम करते हैं, लेकिन उसके अपेक्षा ये जो किताब आ गया अब आप किताब रख देंगे तो उससे तो अच्छा नहीं है कि आप बच्चे पढ़ की शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम हो गया इससे ओपन बुक एग्जाम से खराब होने वाला है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों का भविष्य भी खराब होगा और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बढ़ावा के जगह पे उनकी निंदा होगी एक तरह से। कह रहे हैं कि रट्टा जो मारते हैं बच्चे, रट्टा मारने से बचा जाएगा, अब रट्टा नहीं मारेंगे, अब समझ के आंसर्स लिखेंगे। नहीं देखिए, हम कह रहे हैं कि एक घंटा में यदि पेपर दे रहे हैं तो एक घंटा में वो क्या समझ लेंगे? हाँ। उस किताब से क्या वो समझ लेंगे बताइए आप? हाँ। वो तो अपना चुपचाप गए, उतारे, लिख दिए, चले आए, क्या समझ? कुछ नहीं होने वाला है नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे शिक्षा को लेकर के उसे बढ़ावा तो मिलेगा नहीं। आप लोग नौकरियों के बारे में क्या कहेंगे? क्या युवाओं को आजकल हमारे अगर बात करो नौकरियां मिल रही है या इसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा? देखिए
नौकरियां तो मिल रही है, लेकिन आप काबिल हैं तो नौकरी मिलेगा। अच्छा, आप काबिल नहीं है तो नहीं मिलेगा। सरकार पर नहीं उंगली उठानी, सरकार पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि हमारा टीचर का वैकेंसी नहीं आ रहा है तो हम दूसरे प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, हम वहाँ पे पढ़ा करके पैसा कमाएंगे। यदि हम किसी फील्ड के मामले में यदि हम नॉलेज रखते हैं तो हम उस फील्ड में काम करेंगे। जरूरी है कि हम सरकार पे ही दबाव देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जो है और सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने वाले हैं, तो बताइए महिलाओं को वो आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सिलाई मशीन बांट रहे हैं, तो वो लोग शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप रोजगारी करिए, नौकरी करिए, नहीं, आप अपने साथ साथ दो चार युवाओं को लेकर के आगे बढ़िए। शिक्षा का मतलब वो होता है, तो युवाओं को साथ लेके चल रही है अभी सरकार। सरकार तो चल रही है, खुश है, हम खुश हैं। एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं चाहिए, शिक्षा में नहीं, शिक्षा में बदलाव तो इस तरह का बदलाव नहीं चाहिए, इस तरीके का बदलाव नहीं चाहिए। तो क्या ऐसे पॉजिटिव आपको लग रहा है चेंजेस, बदलाव है जो अच्छे रहेंगे युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बदलाव अच्छा नहीं रहेगा। पढ़ाई शिक्षा को लेकर के वैसा कदम न उठाया जाए जो बच्चों के भविष्य को लेकर के खराब हो। अच्छा, तो मतलब अभी भविष्य जो है बच्चों का खराब होगा अगर ओपन बुक एग्जाम जो है करा दिया जाए? जी, तो CBSE है वो ओपन बुक एग्जाम करवाने वाली है, यानी आपके सामने किताब खुली रहेगी, आप एग्जाम देने जाएंगे और आप आंसर्स लिखिए देख करके, बट बनाने खुद से है, क्या कहेंगे? देखिए, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। आप जहाँ तक जानती हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बोल चुके हैं, ठीक है मैम, वो अलग चीज़ है। यहाँ यूपी में देखिए, जब तक अखिलेश की गवर्नमेंट थी, हम आजमगढ़ में बता दें, कलेक्ट्री कचहरी रोडवेज बस अड्डा जो भी बना है सब अखिलेश की गवर्नमेंट में बना है। ऐसी सरकार चाहिए जो एकदम विपक्ष में भी रहते हुए भी एकदम दमदार रहे। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि शिक्षा के लिए अभी कोई ऐसी सरकार काम नहीं कर पा रही है, ये कह रहे हैं? सरकार मैम, जब BJP की गवर्नमेंट हटेगी तभी काम हो पाएगा। तो अभी CBSE ओपन बुक एग्जाम भी कराने वाली अगले सेशन से, इससे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसा है कि वो रट्टा मारने से रुक जाएंगे? रट्टा नहीं मारेंगे, समझ के लिखेंगे, सामने आंसर्स लिखे रहेंगे वो तो अभी इनको पढ़ाने की जरूरत ही क्या है, स्कूल लाने की जरूरत क्या है? हटा दे अपने किताबें हैं, अपने किताबें जब किताब में दे के लिखना है तो फिर जरूरत क्या है, वैसे ही पास करते जाएं। जैसे एक बार हुआ था कि भाई क्या नाम है उसका, जब वो क्या कुछ ऐसा कांड हो गया था, जब एक साल बच्चे वैसे ही पास कर दिए थे, तो वैसे ही पास करते जाएं, क्या जरूरत है इनको किताब पढ़ाने की भी? क्यों हम आपका खर्चा करवाने किताबों का भी, स्कूल की फीस भी, सब कुछ वैसे ही पास करा करके अपने दे दे डिग्री। क्या कहेंगे बच्चों के लिए बढ़िया है ये, सामने आंसर्स रहेंगे और लिखेंगे? ना, ये गलत है, ये गलत ये रुकना चाहिए। यानी कि रट्टा जो मारते हैं बच्चे, रट्टा मार के जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, तो ये नहीं होगा, फिर वो समझ के लिखेंगे क्योंकि आंसर्स उनके सामने रहेंगे। रट्टा मार के तो वही जाते हैं जिनको पता होता है पेपर में ये आना है। अच्छा, वो रट्टा मार के जाते हैं। हाँ, और जो एक्चुअली में पढ़ते हैं उनके लिए तो पेपर ही नहीं है, वो तो जाकर के वहाँ क्वेश्चन देखेंगे, जो पढ़ के गया है उसे क्वेश्चन आता होगा तो करेगा वो। रट्टा तो वो मार के जाता है जो जिसको पेपर का पता है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, भी कई बताए जा रहे हैं, तो इसके क्या इस तरीके से कुछ फायदा होगा कि जो बच्चे हैं वो समझेंगे ज्यादा, जो चीजें होती हैं वो समझ के ज्यादा लिखेंगे, अपना दिमाग यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, चीजें करेंगे। आप मेरे आगे किताब रख दीजिए ना, मेरे को क्या जरूरत है दिमाग लगाने की? मैं तो उसमें से देखता जाऊंगा, टेपता जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है ज्यादा दिमाग लगाने की? कोई इसका फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है मैडम, नुकसान ही है और क्या है इसमें। हाँ अंकल जी, आप क्या कहेंगे कि बढ़िया लग रहा है ये ओपन बुक एग्जाम? मेरे दोनों गुरु जी है। हाँ। मुझे तो दोनों का बढ़िया लग रहा है जी, दोनों गुरु जी है मेरे। अच्छा, तो फिर बच्चों के भविष्य से सरकार मजाक कर रही है या बढ़िया कर रही है उनके साथ, ये बताइए? नहीं, अभी तो सख्ती सही कर रही है। हाँ, और आगे भी अब सख्ती रहेगी। हाँ जी, उल्टा लटका दिया जाएगा अब जो गलत काम करेगा। CBSE जो है वो बदलाव ला रही है कि अब ओपन बुक एग्जाम होगा, बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, सामने उनकी किताब खुली रहेगी और उसमें से आंसर देख करके लिखेंगे, ये कैसा फैसला लग रहा है? किताब ये देख तो मजाक है, ये तो एजुकेशन के साथ मजाक है। जब सब कुछ खुल के मिलेगा तो हम पढ़ेंगे क्या? एग्जाम का मतलब होता है आप कितने पढ़े हैं। जब सब कुछ हमें खोल के मिलेगा तो हम तो लिख ही देंगे, रटना बंद हो जाएगा, रट के नहीं जाएंगे। ये बात पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तब पढ़ने की कहाँ जरूरत है? नकल के इससे अच्छा तो पेपर लीक होना ही ठीक है फिर तो। पेपर लीक होना ठीक है, अकल तो रहेगी उनके पास, उनके पास अकल तो रहेगी। चलो ठीक है, मैंने नकल करके लिखा है ये क्वेश्चन यहाँ पे है, उससे तो सही है। क्यों बोल रहे
कि इस पर जो है काम होना चाहिए, ओपन बुक एग्जाम कराना चाहिए बच्चे। ओपन बुक देखो, बुक अगर बुक देख के बंदा पढ़ रहा है तो पढ़ेगा क्या, उसे तो फिर पूरे साल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को। हाँ। बच्चा मेहनत क्यों करेगा अगर वो बुक से देख के लिखेगा सेंट्रल पार्क, फिर तो तब आके सेंट्रल पार्क में बैठेंगे पढ़ने के, मुक्त हो जाएंगे, सेंट्रल पार्क में आके बैठेंगे, फिर एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है ना, मजे मारो भैया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि ओपन बुक एग्जाम के बारे में लोग क्या सोचते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन शायद ये लोग अनजान हैं इस चीज से कि ओपन बुक एग्जाम क्लोज बुक एग्जाम से ज्यादा टफ होता है। मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में मैथ्स की बुक रखी हो, लेकिन आपको आंसर्स में उसका अप्लाइड के बारे में बताना है, मतलब आंसर नहीं बल्कि वो आंसर कहाँ से आएगा उसके बारे में बताना है, तो आप एग्जाम हॉल में ले गए अपने किताब से इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपके सामने हिंदी की बुक खुली हो, तो उसमें से आपको ये सवाल किया जाए कि एक पैराग्राफ में कौन से अलंकार यूज किए गए हैं, तो वहां पर सभी स्टूडेंट्स को वो समझ कर ही लिखना पड़ेगा। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।